ओलंपिक मेडल से बस एक कदम दूर होकर डिस्क्वालिफिकेशन से न सिर्फ विनेश फोगाट का सपना चकनाचूर हो गया है, बल्कि उनसे मेडल की उम्मीद लगाए बैठे करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया है। यही वजह है कितना बड़ा झटका अब असहनीय हो गया है। भारी मन से विनेश को अपने संन्यास का ऐलान करना पड़ गया है। विनेश की डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर बुधवार को देश भर में दिन भर चर्चाएं जारी थीं कि अगले ही दिन गुरुवार को सुबह 5:15 पर आया विनेश के मैसेज ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। ये मैसेज था विनेश फोगाट के कुश्ती से संन्यास के ऐलान का। सोशल मीडिया पर विनेश का ऐसा भावुक मैसेज आया जिसमें लिखा, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब। अलविदा कुश्ती 2001-2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी विनेश फोगाट। याद दिला दें कि विनेश फोगाट को ज्यादा वजन होने की वजह से ओलंपिक के कुश्ती मुकाबले के फाइनल मैच से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। 50 किलोग्राम कैटेगरी में उनका वजन करीब 100 ग्राम अधिक पाया गया। विनेश के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन वजन अधिक होने की वजह से फाइनल मुकाबले से कुछ ही घंटे पहले उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। ऐसे में नियम के कारण वो सेमीफाइनल जीतने के बाद भी मेडल से चूक गईं। बहरहाल विनेश के इस तरह से संन्यास लेने की घोषणा ने हर किसी को हिला कर रख दिया है।